वाह वाह गजब भाई, कमाल कर दिया हिमेश सर आपने तो। तुम्हारे शरीर में जितना खून नहीं होगा उतना रवि कुमार एक दिन में मुत देता है। दोस्तों आप इस डायलॉग को तो भूले नहीं होंगे ना। हिमेश रेशम यानी म्यूजिक डायरेक्टर बनकर धूम मचाई, सिंगर बनकर सनसनी फैला दी, चाहत थी कि एक्टर बनकर कोहराम मचाएंगे। आपका सुरूर फिल्म के म्यूजिकल हिट होने के बाद वह 2014 में द एक्सपोज नाम से एक फिल्म लेकर आए थे, लेकिन आप जानते हो इस फिल्म का क्या हाल रहा। बहुत ही बुरी तरीके से पिटी थी, लेकिन लगता है हिमेश भैया कभी हार नहीं मानेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिमेश भैया की कभी हार नहीं होगी। अब 8 साल बाद हिमेश सर एक बार फिर रवि कुमार बनकर पर्दे पर लौट रहे हैं। उनकी इस नई फिल्म का नाम है बैड एस रवि कुमार यानी बदमाश रवि कुमार, जो द एक्सपोज फिल्म का ही स्पिन ऑफ है। दोस्तों हिमेश भैया ने 4 नवम्बर को इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जो 3 मिनट लंबा है, जिसे देखकर आपको पुराने दौर की फिल्में याद आ जाएंगी। वही गली मोहल्ले वाले डायलॉग्स, वही सड़क के बीच चौराहे वाले एक्शन, कमाल कर दिया सर आपने, एकदम जबरदस्त। दोस्तों मैं तो फ्री फायर नहीं खेलता, लेकिन इसके टीजर को देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ही मोबाइल लेके फ्री फायर खेलने बैठा हूँ। खतरनाक फर्राटेदार गोलियां, खतरनाक बम धमाके, पूरा टीजर गोलियों की बौछारें और बम धमाके से भरा पड़ा है। और हिमेश सर एक डायलॉग भी बोलते हैं, जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। वाह वाह एकदम तबाही सर, घटिया डायलॉग्स और एक्शन से तो आपने पूरे हिंदुस्तान में भौकाल ही मचा दिया। दोस्तों यही है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को बचा सकता है। इसके VFX को देखकर अब मुझे आदि पुरुष का वो कार्टून वाला VFX ही अच्छा लगने लगा है। इसमें एक गाना भी चलता है, तुझे देखूं तो दिल में उड़े बटरफ्लाई तितलियां। वाह चलो कम से कम इस गाने के माध्यम से तितली बेचारी को तो सम्मान मिला। फिल्म बैड एस रवि कुमार के आगे KGF पुष्पा भी फीका है, कैसे चलो बताता हूँ। KGF चैप्टर 1 में आपने विलेन में गरुड़ा को देखा, छोड़ो यार ये तो कुछ नहीं। KGF चैप्टर 2 में आपने देखा अधीरा को, छोड़ो यार ये सब, ये भी कोई विलन है। हिमेश की फिल्म बैड एस रवि कुमार में देखना आप, रवि कुमार अकेले 10-10 खतरनाक विलेन का सामना करेंगे, अकेले 10-10 खतरनाक विलेन का। गरुड़ा अधीरा तो कुछ भी नहीं इनके सामने। और ये मोहतरमा कौन है भाई, पूरे टीजर में ये अपना चेहरा ही नहीं दिखाई, शायद इसके चेहरे पे बाल उगाए हो। दोस्तों वैसे ये मूवी 2023 में रिलीज होगी, तो आप जाएंगे ना इसे देखने, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका टीजर कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नीचे लाल वाले बटन को दबा के बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।